तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपना सीक्रेसी किस तरह से डिलीट करेंगे, किस तरह से फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों 90% मोबाइल में वर्क करता है। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। आपको करना क्या है, कोई भी मोबाइल हो आपको सेटिंग में विजिट करना है। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, कोई भी मोबाइल हो आपको मल्ली बैकअप एंड रीसेट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखें मोर सेटिंग पर मैं क्लिक करता हूँ, वीवो का मोबाइल है दोस्तों। तो आपको कोई भी मोबाइल हो बैकअप एंड रीसेट में आपको जाना है, सर्च बार में बैकअप एंड रीसेट को सर्च कर लेना है। अब यहां इरेज ऑल डाटा सबसे नीचे आपको जाना है दोस्तों। इरेज ऑल डाटा पर जैसे आप क्लिक करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जितना जीमेल होगा, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, सब कुछ, फोटो, वीडियो, जीमेल, सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा दोस्तों। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिम को आप पहले निकाल लीजिएगा, नहीं कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका इरेज हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज की आप जैसे ही आप क्लियर ऑल डाटा पर करिएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे में क्लीन नाउ लिखा हुआ है। तो क्लीन नाउ जैसे आप करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको थोड़ी इंग्लिश की भी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं तो रन ट्रबल शूट के प्रॉब्लम के वजह से कभी कभी वह इरेज नहीं होता है, बीच में बगिंग आ जाता है दोस्तों। तो जैसे आप क्लीन नाउ पे क्लिक करिएगा, एक ऑप्शन आपको अभी डायरेक्ट नहीं होगा, एक ऑप्शन और आपको ओके करना होगा। यहाँ मैं आगे आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए आप जैसे कोई प्रॉब्लम आता है, नहीं आगे वह इरेज कर पाता है, क्लीन कर पाता है। यहाँ देखिए कि जैसे आप उस पर क्लीन नाउ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ देखिए कि लिखा हुआ है क्लीन, नीचे लाल रंग का लिखा हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा दोस्तों तो यह आपका फॉर्मेट हो जाता है, तो अच्छी बात है। नहीं तो आपको बैक आ जाना है या रीस्टोर पे क्लिक कर लेना है।